मंगलौर क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में स्थित गंगोत्री पेपर मिल के गोदाम में बीते देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, आग इतनी भयानक लगी थी कि मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों से भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से करीब करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ हो सकता है कि कोई बीड़ी सिगरेट किसी ने पी हो और गलती से रॉ मटेरियल में फेंक दी। जो पेपर होता है ज्वलनशील होता है तो आग पकड़ लेता है, तो स्पष्ट कारण अभी नहीं पता है। वैसे हमारे 2 बिजली के पैनल भी फूक गए हैं, तो हो सकता है वहीं से कोई स्पार्किंग हुई हो, तो अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। और नुकसान कितना हुआ है ये भी आकलन होगा, लेकिन करोड़ों में तो है, अब कितना है वो भी कहना मुश्किल है। एग्जैक्टली ये सुबह लगभग 4:15 बजे सूचना मिली कि पेपर मिल गंगोत्री सुपर मिल पेपर मिल में आग लगी है, जिसमें हमने जो है तुरंत जो है मंगलौर से एक गाड़ी भेजी। उसको स्थिति को देखते हुए दूसरी गाड़ी रुड़की से मंगाई गई। फिर जो है मैं पहुंचा, उसकी स्थिति को देखते हुए गाड़ी रुड़की भगवानपुर लक्सर मायापुर सिडकुल से 2 गाड़ी मंगवाई गई। आग कंट्रोल में हो गई है।